الرحمن रहीकुम मेरा नाम अब्दुलवाब और आप देख रहे हैं प्रोफेशन तिलावत कोर्स इसमें इनशाला इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट में समझाऊंगा ठीक है लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है वीडियो को पूरी कंप्लीट देखनी था कि आपको ये चीज समझ में आए आप लोगों को समझ में ये चीज नहीं आती और वैसे भी इस पे अभी जिसमें मैं आप लोगों को कम्प्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस पर हालांकि मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब अगर आप लोगों को ये चीज जाननी है तो मैं आप लोगों को एक दफा इसी वीडियो में भेज दूँ इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या नाम है माइक को कनेक्ट कैसे करना है ठीक है माइक को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कैसे करना है कनेक्ट करने के बाद हमने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ओडा सिटी के अंदर ओडा सिटी के अंदर रिकॉर्डिंग के बाद उसकी नॉइस कैसे रिमूव करनी है नॉइस रिमूव करने के बाद हमने उस ऑडियो को ए फिल स्टूडियो में इनपुट करके उसमें जो हम इफेक्ट लगाते हैं वो कैसे लगाने इसमें साउंड कार्ड की क्या सेटिंग रखनी है सब चीज़ आपको इसमें बताऊँगा वीडियो बड़ी बन जाएगी ज़ाहिर सी बात है तो फिर आप लोगों को इसमें कम्प्लीट देखना है ताकि जो नए लोग हैं उसको भी मैं इस वीडियो में भेजूँ और जो पुराने हैं जिनको अभी कोई ये, ये चीज़ समझ नहीं आ रही बात समझ में नहीं, नहीं आ रही तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने कहा है कि देखें प्रोफेशन तिलावत कोर्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए एक माइक चाहिए एक हैंडसेट चाहिए चाहे वो कोई कोई सा भी हो लाजमी नहीं ये चाहिए एक साउंड कार्ड चाहिए एक फंटम पावर चाहिए जब ये माइक ऑर्डर करते हैं बी एम एट हंड्रेड माइक लो बजट पर सबसे कम बजट पे ये है और अच्छी क्वालिटी देता है जैसे कि आप लोगों ने मेरी तलावतें सुनी है इस पर भी सुनते हैं और आप कारी अब्दुल हब चांग चैनल पे भी सुनते हैं वो इसी का है रिजल्ट है इसी पे ही रिकॉर्डिंग होती है और सबसे लो बजट पे पाकिस्तान में तकरीबन सात आठ हज़ार का होगा साउंड कार्ड के साथ <coughs> तो आपको ये जब भी आप बाई करेंगे ओलेक्स से ले लें अगर यूज़ में लेना चाह रहे हैं तो ओलेक्स में भी आप चेक कर सकते हैं फेसबुक के अंदर मार्केट का ऑप्शन है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा आप ऑनलाइन अमेजन होता है उससे भी चेक कर सकते हैं काफ़ी दोस्तों का कहना है कि किसी शॉप से मिलता है नहीं शॉप से तो मुझे नहीं पता आइडिया नहीं है आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से सात आठ साल से बाहर हूँ ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है बाकी रही बात आप लोग इन कुछ दोस्तों का सवाल होता है कि हम ऑनलाइन परचेज़ तो कर लें लेकिन इसमें फ़ेक का मसला होगा डर होता है कि डुप्लीकेट मिल जाएगा इसमें कोई ऐसा ये माइक ऐसा है इसमें आपको फेक नहीं मिल सकता ठीक है इसको अलहमद मेरे पास तीन चार साल हो गए अभी मैंने चेंज किया करूँगा आने वाला है तो अब तक इस पर सारा काम सारा रिजल्ट जो प्रोपर प्रो लग इन से नॉर्मल सेटिंग है सारी इसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है ठीक है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई जब भी आप ये ऑर्डर करें साउंड कार्ड के साथ करें विथ साउंड कार्ड वी एट साउंड कार्ड ठीक है फंटम पावर भी चाहिए होता है जो कि अगर मेरी साउंड क्वालिटी आप सुनते हैं तो मैं उसमें फंटम पावर भी लगा हुआ है हालांकि इसके बगैर भी चल जाता है लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा अगर आप अपनी क्वालिटी अच्छी बनाना चाह रहे हैं तो फंटम पावर लें फंटम पावर का क्या काम होता है अगर आप माइक से एक फुट की दूरी रखते हैं चलिए ये भी आप लोगों को इसमें सिखा देता हूँ कि माइक का एंगल देख लें कैसा है एंगल ये रखना है ठीक है और माइक से दूरी कितनी रखनी है वो भी आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ ठीक है उसके सामने बैठ के रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो भी आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ एक फुट का स्पेस रखना कम से कम छः सात इंच का या एक फुट का ठीक है तो फिर हम अगर स्लो भी पढ़ने वाले हैं ना कोई स्लो पढ़ने का दिए जैसे मैं पढ़ता हूँ मेरा अपने अंदाज़ देखा ही तो फंटम पावर ऐसी कंडीशन में उसको थोड़ा पावर देता है ठीक है अगर ये फंटम पावर नहीं होगा तो हो सकता है आपको जोर लगाना पड़े या फिर माइक के ऊपर चढ़ के बैठना पड़े जब माइक के ऊपर चढ़ के बैठ के रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आवाज़ ख़राब होगी आवाज़ फटेगी तो फंटम पावर का ये बहुत अच्छा इसमें वो होता है काम होता है ठीक है मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि जिन भाइयों ने ये ले भी लिया फंटम पावर नहीं लिया तो वो ले लें उसका बहुत फ़ायदा है ठीक है तो अब पहले हम, मैं आपको सिखाता हूँ कि माइक का एंगल देख लें ठीक है उसके बाद मैं आपको इस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ वैसे ही नॉर्मल ये देख लें जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ माइक का एंगल ये होता है और मेरा एंगल ये होता है बस इतना होता है आप लोगों ने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियो में इतना होता है ठीक है देख लें माइक नीचे मैं थोड़ा ऊपर हूं ये सारी चीजें अभी ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी लेकिन आप लोगों ने यहां से आप सीख के जाना है खरीदने कैसे है वे बता दिया ठीक है कनेक्ट कैसे करना है साउंड कार्ड की क्या सेटिंग रखनी है सब इसमें बताता हूँ आपको मैं अभी समझा समझा के थक गया हूँ आप लोगों को समझ ही नहीं आती पता नहीं क्या है एग्जाम्पल अभी अच्छा जब मैं इतना करूंगा तो आप लोगों को लगेगा मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूं लेकिन माइक यह कंडेसन माइक है ठीक है इसी तरह पढ़ता हूं यही फंटम पावर का भी यही फायदा है कि वो आवाज को पकड़ लेता है <laughs> وتورسيني وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

देख लिया इस तरह मैं रिकॉर्डिंग करता हूं मेरा जो वॉइस है वो इतना होता है ठीक है वो भी आपने देख लिया कितना वॉल्यूम रखा है मैंने अपना ना चिल्लाया चिल्लाए ना जोर लगाए ठीक है माइक का एंगल देख लिया कितना दूर है फंटम पावर का यही काम होता है कि आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाता है और अच्छा बनाता है ठीक है अगर नहीं है तो फंटम पावर भी ले लें आप लोगों का मसला है कि हमने ये सारी चीज़ें कर भी ली लेकिन फिर भी हमें वो बात नहीं जो आपकी तिलावत में वो बात नहीं जो आपकी तलावत में हजार दफा कहा है कि माइक का एंगल देख लें ऐसे रखना है उसके सामने बैठ के रिकॉर्डिंग कैसे करनी है चढ़ के नहीं बैठना फंटम पावर भी लेना अगर नहीं है तो ये तरीका देख लिया माइक एंगल भी देख लिया मेरा बैठने का अंदाज भी देख लिया रिकॉर्डिंग का और स्पेस भी देख लिया ठीक है अब कभी कभार ऐसा ना हो कि आप लोग को माइक आपने उल्टा लगाया हो अब आपको पता कैसे चलेगा कि माइक का, का फ्रंट कैसा है आपको मैं भी दिखाता हूँ अब आप लोगों को मैं सारी चीजें बताता हूँ ठीक है जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन आप लोगों ने यहाँ से अभी सही सीख के जाना है अब ये देखें एक्सल आर केबिल जब ये लगती है तो इसका ये देखें ये वाला बटन ये आपके सामने होगा सामने होगा तो इसका मतलब है माइक का फ्रंट है ये ये माइक का फ्रंट है ऐसा ना हो ये आपने घुमा के रखा हुआ हो या इस तरफ रखा हो और आपको लग रहा हो कि हम रिकॉर्डिंग करें माइक आवाज़ सही नहीं आ रही शायद आवाज़ कम आ रही है आवाज़ कम आने की वजह भी ये भी हो सकती है कि आपने माइक एंगल सही नहीं रखा होगा ये देख लें ठीक है ये आपने इसका ख्याल रखना है इसका ध्यान रखना है इसका मतलब माइक का फ्रंट है ये ठीक हो गया अब आते हैं साउंड कार्ड की तरफ कि साउंड कार्ड की सेटिंग क्या रखनी है अब ये 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 देखें, देखें सारे बटन जो हैं, नीचे बटनों को हमने नहीं छेड़ना इन बटनों का कि स्पेशल बनाइए इसको फुल कर देना है ये भी फुल होगा ये भी फुल होगा अब ये जो है बेस जो है कम से कम बेस आपको 20-25 रखनी ये देखिए आइडिया लगा सकते हैं आप ये देखें निशान लगाए व्हाइट मार्ग का मैंने निशान लगाया है ठीक है नीचे भी लगा ऊपर भी लगाए और ये ट्रिबल जो है ये कम से कम ये है मेरे ख़्याल से सिक्सटी फाइव सेवेंटी इस तरह है ये देख लें इसका भी देख लें ठीक है ई को बिल्कुल ऑफ रखना है क्योंकि ई को हमें इफेक्ट में अंदर मिल जाता है और ये माइक जो है इसका ये फुल रखना है ये ऑफ रखना है ठीक है ये ऑफ रखना है इसको फुल रखना है ये हो गई साउंड कार्ड की सेटिंग ठीक है अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अब हाँ अब कनेक्ट करने की बात है कि माइक को कैसे कनेक्ट करें अब ये देखें ये जो वायर होगी ये आपके पास दो होनी चाहिए ठीक है अगर आप ये माइक ऑर्डर करते हैं तो आपके पास दो आनी चाहिए अगर दो नहीं आती तो एक्स्ट्रा एक और ले लें ठीक है अब ये जो वायर है ये लग के कहाँ जा रही है ये लग के जा रही है फंटम पावर के अंदर लग रही है इसका दूसरा हिस्सा फंटम पावर में लग रहा है आपको दिखाता हूँ अभी मैं अब ये देखिएगा ये वायर है ठीक है ये रही ठीक है ये देखें ये कहाँ जा रही है ये देखें ये लगी हुई है ठीक है एक माइक में लग के यहाँ लगेगी और दूसरी जो ये रही दूसरी ये यहाँ लग के फंटम पावर में लग के कहाँ जाएगी ये रही ये लगी हुई है साउंड कार्ड में ठीक है ये दो वायरें हो गई एक माइक से लग के यहाँ लग रही है दूसरी यहाँ लग के यहाँ आ रही है ठीक है अब ये देखें ये जो है आपको साउंड कार्ड के साथ मिल जाती है ये यूएस वाली चार्जिंग में लगी हुई देखें ये देखें ये चार्जिंग में लगी हुई चार्जिंग में लग के कहाँ जा रही है सी में लगी हुई अगर लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करते हैं तो लैपटॉप में इसका दूसरा हिस्सा लगेगा कंप्यूटर में करते हैं तो सी में लगेगा ठीक है और दूसरा ये हैंड फ्री लगा हुआ है हैंडसेट लगा हुआ है बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ये जो है ये इसका पावर ऑन करने वाला वो है एडाप्टर है ठीक है पिन वाला है गोल पिन वाला है ठीक है अब ये दूसरा कहाँ लगा हुआ है लगा हुआ है ठीक है ये लगा हुआ है ये हो गया माइक कनेक्ट कैसे करते हैं अब आते हैं हम पीसी की तरफ ठीक है ये आपको मैंने कनेक्ट करके बता दिया कैसे तरीके का है ठीक है फंटम पावर साउंड कार्ड हो गया अब आते हैं हम ओडासिटी पे पीसी में ठीक है कि अब इसको यहाँ से कैसे कनेक्ट करना है यहाँ कैसे रिकॉर्डिंग करनी है ठीक है अभी याद रखिएगा मैंने साउंड कार्ड भी नहीं खोला फंटम पावर भी नहीं खोला ताकि आप लोग को पहले दिखा दूँ कि ओडासिटी खोलें तो पहले कैसे ऑप्शन आते हैं फिर जब इनको खोलें तो कैसा एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑप्शन आता है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करें तो अभी हम खोल लेते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ओडासिटी में मैं नॉर्मल रिकॉर्डिंग करता हूँ नॉइस रिमूव करता हूँ सेव करता हूँ फिर एफिल स्टूडियो में उसके बाकी इफेक्ट लगाता हूं तो मैं ये ओडासिटी खोल लेता हूँ आपके सामने देख लीजिएगा साउंड कार्ड फंटम पार अभी मैंने नहीं खोला ठीक है अभी देखिएगा कि इसमें वो ऑप्शन नहीं आएगा ये कर लिया उसके बाद आपने ऑडियो सेटिंग में आना है ऑडियो सेटअप में आना है ये देखिए ये फिर ऑडियो सेटिंग में अब ये देखें यहां पे क्लिक करेंगे ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं तीसरा क्यों नहीं आ रहा साउंड कार्ड का क्योंकि मैंने अभी ऑन नहीं किया उसी को हमने कनेक्ट करना होता है यहां नहीं आ रहा उसके अलावा यहां पे भी नहीं आ रहा अब देखिएगा इसको मैं करता हूं कट क्लोज करता हूं ठीक है अब मैं खोलता हूं क्या साउंड कार्ड और फंटम पावर इसको बटन को दबा के रखा प्रेस किया ये ऑन हो गया एक और चीज याद रखिएगा रिकॉर्डिंग करने से पहले इसको चार्ज कर लें फुल जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो लाइट ग्रीन देता है ये लाइट ग्रीन हो जाए तो चार्ज हो गया उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करें ठीक है फंटम पावर को भी खोल लेता हूँ कभी कभार साउंड कम आने की वजह साउंड माइक में साउंड कम आने की वजह ये फंटम पावर चार्ज ना होना उसकी वजह बन सकती है कि आपका हो सकता है साउंड कार्ड फुल चार्ज ना हो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा एक हो सकता है कि जो साउंड कम आने की वजह है एक तो ये साउंड कार्ड भी हो सकता है कि साउंड कार्ड आपका चार्ज ना हो दूसरा इसका एहतियात करना है कि ये आपका सही एंगल रखा हुआ है माइक का या नहीं ठीक है इस तरह पेन है तो सही रखा हुआ है अब देखिएगा पहले दो ऑप्शन आ रहे थे अब देखिएगा अब हमने रिकॉर्डिंग करनी है माइक की ठीक है ये सारी चीजें कनेक्ट करके आपको बता दी अब करें ऑडियो सेटअप में आ जाए ऑडियो सेटिंग में आ जाएं अब ये देखें यहाँ इसको क्लिक करें इस ये देखें ये रहा तीसरा ऑप्शन आ गया ना अगर कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होगी आपकी तो दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे ठीक है अगर आपका साउंड कार्ड कोई भी है कनेक्ट होगा तो उसका लाजमी नहीं है वी आपका नाम आए मेरा वी आता है आपका हो सकता है कुछ और आ रहा हो अगर तीसरा ऑप्शन आ रहा है तो समझो वही आपकी चीज़ है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें इससे पहले आप क्या करेंगे आपको बगैर उसके सेलेक्ट करना है ताकि आपको पता चले कि दो ऑप्शन इसके अपने कौन से आ रहे हैं ताकि तीसरा ऑप्शन का आपको पता चल जाए कि आपकी डिवाइस का नाम क्या है ये हो गया इसी तरह नीचे भी ये देखें ये नीचे भी हुआ हुआ है ठीक है ये यहाँ पे वी एड कार्ड यहाँ पे वी एड कार्ड जो भी आपकी डिवाइस होगी आप इन दोनों में उनको सिलेक्ट करना है ठीक है अगर आपको अपनी डिवाइस का नाम नहीं पता तो आप डिवाइस को ऑफ करें इसको खोलें फिर देखें दो ऑप्शन होंगे फिर उसको डिवाइस को लगाएं फिर खोलें तीसरा ऑप्शन आता है तो समझे वो आपके डिवाइस का नाम है ओडा सिटी में रिकॉर्डिंग करनी है और एफ एल स्टूडियो में अगर मिक्सिंग करनी है तो आपने मोनो में रिकॉर्डिंग करनी है अगर इसी में ही आपने एडिटिंग करनी है इफेक्ट लगाने हैं ओडा सिटी के अंदर ही तो अपने स्टेरियो में रिकॉर्डिंग करनी है ठीक है ओके okay. अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करनी ये भी ये चीज ख्याल रखिएगा ठीक है <coughs> वा तीनी अजय तो नदल बल्दिलमी ठीक है ये देखें इस तरह ज़्यादा मोटी भी नहीं है सही है अच्छा है ज़्यादा वो होगी तो इसका मतलब आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है ठीक हो गया फॉर ये आपकी यहाँ पर आडियो पूरी कम्प्लीट रिकॉर्ड हो चुकी है फिर आपने यहाँ इसको प्ले करें स्टॉप करें ताकि ये पीछे आ जाए फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने क्यों छोड़ा है इसकी छोड़ने की वजह क्या है ताकि हम नॉइस रिमूव कर सकें ठीक है वो कैसे यहाँ से लेफ्ट दबा के यूँ ले जाएं, यहाँ तक छोड़ दें इफेक्ट में आए ये नॉइस रिडक्शन नॉइस में आके ये रहा नॉइस रिडक्शन ठीक है इसकी सेटिंग देख लें आप गेट नॉइस करना है बारह सिक्स पॉइंट जीरो जीरो थ्री गेट नॉइस प्रोफाइल ठीक है उसके बाद दोबारा यहां से आपने क्लिक करना है ये पूरा वाइट हो जाएगा दोबारा आपने इफेक्ट में आ जाना है दोबारा नॉइस में आ जाना है फिर नॉइस रिडक्शन इस बार ओके करना है गेट नॉइस नहीं करना ओके करना है वही सेटिंग रहेगी बारह सिक्स पॉइंट जीरो जीरो थ्री ठीक है, है? ये हो गया उसके बाद आपने फाइल में आके इसको सेव करना है एक्सपोर्ट में आके ये डब्ल्यू ए वी में इसमें सेव करना है ठीक है इसको कोई सा भी नाम दे दें आप ओके कर दें ठीक है ये हो गया सेव आपका ऑडियो में अब अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से ये एफ एल में मिक्सिंग करनी है इसको कट कर लें एफएल स्टूडियो खोलें कि उसमें इंपोर्ट कैसे करनी है फिर आपको जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आपके से वो आपने लगाने आपको इतना पता होगा ठीक है मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑडियो वाली ओडा सिटी वाली ऑडियो आपने इसमें कैसे लेकर आनी है अब ये देखें ये देखें, यह देखें यहां ये वाली जो चीज है यहां से आपने ऑडियो डालनी है ठीक है इसको दबाएं तो इस तरह कुछ आएगा ऐड करें इसमें फिर आ जाएँ इधर ऑडियो क्लिप में आ जाएँ फिर इस ऑडियो क्लिप में इसके अंदर आ जाएँ उसके बाद ये फोल्डर में आ जाएँ इसमें उसके बाद ये आपको ले जाएगा यहाँ पे यहाँ आपने देखना है कि आपका ऑडासिटी कहाँ पर है जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ ये रहा ये इसको डबल क्लिक किया अब ये देखें सारी ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग जो भी हैं वो यहाँ आ गई हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ क्लिक किया एक उसके बाद ओपन किया ये आ गई ये देखें ये नीचे आ गई ठीक है अब इसको यहाँ से वन सेलेक्ट करना है जब आ जाए तो आपने इसको वन सेलेक्ट करना है ठीक है वन कट कर दें कट कर दें अब ये रही इसको आप ले आए ठीक है अब यहाँ लेके आने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको फिर भी लगता है कि आपके ऑडियो कम है आवाज़ कम आ रही है तो आपने हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इनशाला उससे बेहतर हो जाता है ठीक है नहीं तो फिर भी आपको लगे आपकी आवाज़ कम है तो आप इसको सिंगल लगाने के बजाय डबल लगा दें ये देखें ठीक है ये डबल लगा दें इस तरह लगा दें ठीक है उसके बाद फिर जो भी आपकी मिक्सिंग है प्लग इंस है जो भी है वो आपने आपने लगानी आपको आगे पता ही होगा प्रो प्लग आपने अगर मुझसे लिए हुए हैं वो भी आपको तरीकेकार पता है कैसे लगा दें कोई और अगर मेरी नॉर्मल सेटिंग आपकी आप मेरी वीडियो से उठा के लगाना चाह रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से ठीक है ये वजह है अगर आपको ऑडियो कम लगे तो आप इस तरह दो लगा के अपना वो कंप्लीट बना लें ठीक है समझ आएगी उसके बाद आपको सेव का तो पता ही होगा नॉर्मल पे मेरी सेटिंग पड़ी है मेरे चैनल पे ठीक है इसकी नॉर्मल बाकी अगर प्रो लेवल पे करना चाह रहे हैं तो उसके प्लग आपको पता है अगर आप नए हैं आपको प्लग का नहीं पता तो आपको मैं इस एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा उसको आप चेक कर लीजिएगा ठीक है जिसपे शरीफ मुस्तफ़ा इस्लाम सभी की तस्वीर बनी होगी तो वही प्रो प्लग से उसकी नॉलेज आपको लेनी हो तो करना है तो ये समझो कम्प्लीट हो गया उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ फाइल में यहाँ पे आ जाएँ एक्सपोर्ट में ये आ जाएँ डब्ल्यू ए वी में यहाँ ओके करें ये आपकी सेव हो जाएगी कोई भी नाम देके इसको सेव करेंगे तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आएगा मैं चलें आपको दिखा देता हूँ सेफ ये देखें एक और ऑप्शन आएगा तो इसको स्टार्ट कर दें ये हो गई आपकी सेफ हो गया फाइनल ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी पूरे डाउट खत्म हो गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें कमेंट्स कर दें नए आए तो सब्सक्राइब कर दें आपको इस तरह की प्रोफेशनल चीज़ें तिलावत के मतलब इस्लामिक वीडियो के मुतलिक मिलती रहेंगी ठीक है उम्मीद करता तो अच्छी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा अच्छा सा बाकी इसके अलावा मजीद मालूम के लिए आप लोगों को पता ही है मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का दे देता हूँ फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई इस वीडियो में आप मुझसे व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज